दोस्तों, आप अगर से अपने पिछले वीडियोस देख लेते आ रहे हो तो आपको पता होगा एकवें दिन से लेके 11 दिन तक किस तरह से संभालना है कहकर वीडियोस हम बना चुके हैं, आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल भी जाएंगे। तो आज का क्या रहेगा, 12वें दिन 13वें दिन, ये दो दिन किस तरह से चूज़ों को संभालना चाहिए हम ये बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेपर चेंज कर लेंगे, अच्छा सा फ्रेश पेपर दूसरा नया डाल देंगे। उसके साथ साथ दाने के तौर पर हम स्टार्टर फीड डालेंगे, यहाँ पर प्लेट में दिख रहा है आपको, खा लिए और भी स्टार्टर फीड डालेंगे इसमें, ठीक है, ये काम करेंगे। इसके बाद पानी में क्या देंगे, चलिए ये भी दिखा देता हूँ मैं, पानी में क्या देना है आपको। तो हम क्या करेंगे, अभी जल्दी से यहाँ पर देखिए 1 लीटर पानी ले लिया हूँ मैं, 1 लीटर पानी में थोड़ी सी लेक्सिन पाउडर मिला लेता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। अगर से आपके पास ग्राम्स मापने वाला कांटा है तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम लेक्सिन पाउडर इस तरह से घुला देना है, घुलाकर बच्चों को पीने के पानी में दे देना है। दोस्त यहाँ पर देखिए, दोस्त यहाँ पर हम लेक्सिन पाउडर का पानी रख दिए और सारे बच्चे एकदम एक्टिव ही है, बट इसमें थोड़े बच्चे थोड़ा मुझे सुस्त दिखाई दे रहे, थोड़ा जैसे कि फेस के ऊपर थोड़ा सुस्त रहे जैसा, तो मैं इनको इस तरह से एक बार चेक कर लेता हूँ। सब तो एकदम अच्छे से भाग खेल रहे हैं, बट फेस के ऊपर क्या है, थोड़ा सा बुखार टाइप नज़र आ रही है कुछ बच्चों के ऊपर मुझे। तो अभी क्या करेंगे, हम थर्मोमीटर यहाँ पर लगा दिया हूँ मैं, एक अभी लगाया हूँ, एक 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये 32 के ऊपर रहना है दोस्त, 32 के नीचे नहीं रहना है, 32 से लेकर 34 के बीच में रहना है, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर रहेगी 32 से 34 आज के दिन, यानी 12वें दिन 13वें दिन हम इतने टेम्परेचर में रखेंगे आज चूज़ों को। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कंटिन्यू मॉर्निंग से बारिश गिर रही है, सारे बर्ड्स थोड़े फ्री रेंज एरिया में भी है, थोड़े अंदर भी है, यहाँ पर देखिए इनको थोड़ा सा कवर करके रखे है, बाहर थोड़े रहेंगे। और ये वाले दूसरे जो यहाँ पर मैं ढाप के रखा हूँ, इसमें भी कुछ बर्ड्स आए हैं, आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा कितने आए हैं, किस तरह से है, कितने महीने के ये सारे। तो अभी तो बारिश फिलहाल मस्त जम कर पड़ रही है दोस्त। दोस्तों एक बार चूज़े देखिए, डे ओल्ड के, यानी ये निकल के अंडों में से निकल के 2 घंटे हो रहा है। क्यों हम यहाँ पर रखे ब्रूडर में, अच्छे से स्टार्टर फीड दे दिए और पानी भी दे दिए अच्छे से लेक्सिन पाउडर का, ताकि ये भूखे ना जाए, हमारे पास अच्छे से खा कर जाए, अच्छे से पानी पी कर जाए, तो एकदम परफेक्ट 35 चिक्स हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी तरीके से पैक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, देखिए एक बार 35.3 डिग्री टेम्परेचर, यानी डे वन पे इसको 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहना है, वो टेम्परेचर में रखे और स्टार्टर फीड खिला रहे, पानी दे दिए, 2 घंटे में आराम से फीड खा लिए, ये पानी पी लिए। अभी इनकी पैकिंग करते हैं, 35 चिक्स एकदम सेफ्टी से वो भाई के पास जाए। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ 10 दिन के भी बच्चे हैं, 8 से 10 दिन के, यहाँ पर देखिए ये भी एकदम एक्टिव बेहतरीन चिक्स है, तो ये चिक्स को भी हम अच्छे से पानी दिए, लेक्सिन पाउडर का फीड भी खिलाए हैं, स्टार्टर फीड। अभी ये दोनों को पैक करते हैं अपन, टोटल 60 चिक्स को पैक करना है अभी। तो सो यहाँ पर देखिए, ये बॉक्स में एकदम मजबूत और अच्छे से होल्स मारी, सो कॉटन में अपन पैक करेंगे, बच्चों को पैक कर सेफ्टी से उनको लेके जाएंगे, इसीलिए जल्दी से अभी तो पैक कर देंगे। पैक करने के बाद चलिए चलेंगे साथ में, आपको भी ले चलता हूँ मैं आज के वीडियो में ट्रैवलिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी देखिए फाइनली 1:20 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 2 o'clock तक परगी के पीछे जाना है, एक कौन सा गांव कौन सा की है लोकेशन के हिसाब से जाना है। तो अभी हम पैक कर दिए, चलो जल्दी से निकलता हूँ फिर अभी। और एक बात क्या कहनी है, ये टोटल बैच 60 चिक्स रहेंगे टोटल, कुछ 25 चिक्स 10 डेज के रहेंगे लगभग, और बाकी के जो डे ओल्ड के रहेंगे 35 चिक्स। वो भाई मतलब एडवांस के तौर पे कुछ अमाउंट भेजो बोलते तो पूरे एक ही दम भेज दिए उनको। बहुत सारे भाइयों को ये भी डर रहता है ना, भाई हम पैसे तो भेज रहे हैं, आपने को मिलेंगे चिक्स या नहीं मिलेंगे कहकर, तो हम क्या करते उनका वो मतलब वो मोहब्बत देखकर 2 चिक्स 8 डेज के एक्स्ट्रा डाल दिया हूँ, क्योंकि
उनकी मोहब्बत को। ठीक है चलो फिर अभी निकलते हैं जल्दी से। ये देखिए फाइनली अभी परगी के पास एक खुदावनपुर करके रहेगा, वहाँ पर आ गए। तो अभी भाई यहाँ से पिकअप कर लेंगे शॉप के पास से, ताकि थोड़ा सा लेट है बता रहे हो। तो अभी एकदम परफेक्ट तरीके से सारे चूज़े आपको दिखाई भी दे रहे, एक भी इसमें डैमेज नहीं रहेगा, सब परफेक्ट रहेंगे। यहाँ से ये भाई लेके जाके उनके और एक दोस्त को देंगे, वो दोस्त बुकिंग कर लिए उनके लिए ही वो। तो अभी अपन तो भाई को भाई के दोस्त को दे देकर ये बॉक्स रिटर्न निकलते हैं यहाँ से। अभी फिर कितने 28 किलोमीटर जाना है, 28 किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग है अपने को रिटर्न में। चलिए फिर वहाँ पर जाकर मिलते हैं। 15 मिनट्स का बाद टीम को मस्त भूख लग रही है, कुछ खा ले को फिर घर चलते, टाइम देखते कितना होगा वहाँ देख लेंगे। तो सेफ्टी से डिलीवरी भाई को दे देकर रिटर्न घर भी आ चुका हूँ। बट क्या है, थोड़ी सी दिक्कत क्या है, अपना प्यारा सा कालू सा असल का चूज़ा निकला था ना दोस्त, वो चूज़ा भी उसमें ही मिल गया है मिस्टेक से। कैसा दिख रहा है, पूरा नर्वस हो रहा है पूरा, क्योंकि पास में पाल लेने की ख्वाहिश रखा था उसको अच्छे से, कबूतर जैसे पालते हैं लोग उस तरह से हमेशा मेरी बाइक पर ही बिठा कर लेके जाएंगे समझा था। बट चलो चलता है, उसकी किस्मत में हो तो फिर आ जाएगा मेरे पास। मैं कोशिश तो 100% करूँगा उसको मेरे पास लाने की, मुझसे जितना हो सका उतना करेंगे फिर।